हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फूडी सिस्टर। आज हम थोड़ा इनोवेटिव डिश बनाने जा रहे हैं, मटकी ब्रेड मलाई। थोड़ा ये सिमिलर टेस्ट देगा आपको रस मलाई का, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली रस मलाई। तो आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ वन बाय वन। आइसिंग शुगर, मिल्क पाउडर, बादाम मिल्क पाउडर, क्रीम, ब्रेड, मिल्क, बटर और ड्राई फ्रूट्स, इट्स ऑप्शनल। पैन में बटर ऐड कर लीजिए, मिल्क ऐड कीजिए इसमें और अच्छे से स्टर कर लीजिए। आइसिंग शुगर आप शुगर अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। अभी हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से स्टर कर लीजिए। अच्छे से स्टिर करते रहिए और फ्लेम कम कर लीजिए आप। नेक्स्ट अब हम क्रीम ऐड करेंगे इसमें। अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, इट्स ऑप्शनल। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर चाहिए तो ऐड कर लीजिए। अब ये बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडे के लिए 10 मिनट्स। नेक्स्ट स्टेप, अब हम बादाम मिल्क बनाएंगे। हमने स्टोव पे दूध रखा हुआ है, अभी हम बादाम पाउडर ऐड करेंगे। हम शुगर ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि बादाम पाउडर में ऑलरेडी शुगर रहता है, इसलिए एक बॉईल के बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए। बॉईल होने के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अभी हम इसे ठंडे होने के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं कि खोवा हमारा कितने अच्छा से बन चुका है। अब हम ब्रेड में इसकी स्टफिंग करेंगे, देखिए इस तरीके से। आप अपने हाथों को थोड़ा प्रेशर डाल के इसे राउंड शेप दे दीजिए। नाउ दिस इज रेडी। अब ऐसे ही आप बाकी ब्रेडों को भी ऐसे ही कर लीजिए। अभी हमारा ये जो बादाम मिल्क है अच्छे से कूल हो गया है। नेक्स्ट जो मैंने आपको ब्रेड में जो बॉल्स बनाने दिखाए थे वो भी रेडी हो गए हैं। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप हम गार्निशिंग करेंगे। मैं ऐसे मटकी ले रही हूँ। अगर आपके घर में मटकी नहीं है तो आप कोई भी कटोरी या कोई भी गार्निशिंग वाला वेजल यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं जो बादाम मिल्क है मैं हमारी कटोरी में पोर कर रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद ये जो बॉल्स हैं वैसे रख के देखिए ये रसमलाई जैसे ही आपको दिखेगा। अब नेक्स्ट मैं ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करूँगी। देखिए आपको कोई भी शॉप में आराम से ऐसे सिल्वर पेपर मिल जाएंगे, मैं ये यूज़ कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। आपको जब ये इसे यूज़ करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपने शॉप से ही ये रसमलाई खरीदी हो। और लास्ट में ये चेरी मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जो भी मैंने इस्तेमाल किया है, चेरी और ये सिल्वर पेपर, ये सब कुछ ऑप्शनल है। अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप देखिए हमारा अब हमारा मटकी ब्रेड मलाई रेडी है। वाव, अब हमारा ये मटकी ब्रेड मलाई रेडी है, रेडी टू सर्व। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना आप इसे ठंडा करेंगे, चिल करेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे उतना मज़ा आएगा आपको। जब ये टेस्ट करेंगे आपको रसमलाई का टेस्ट आएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना डेकोरेटिव लग रहा है। आप वैसे ही मज़े से खाएंगे भी जब आप ट्राई करेंगे।
हम हमेशा घर पे सोचते हैं कोई और डेजर्ट बनाए, कुछ डिफरेंट डेजर्ट बनाए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली इसे बहुत मज़े से खाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपको, और एंजॉय कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए जो ऑलरेडी बेल आइकन दबा के हैं। थैंक यू सो मच। जो नए हैं हमारे शो पे, प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।